यहाँ पर मैं आज आपको शॉर्ट स्ट्रैडल बना के दिखाऊंगा। बहुत दिन बाद ये वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं इसे बहुत लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि ये शॉर्ट सेलिंग के ऊपर वीडियो बनाऊँ। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो पहले अवेलेबल हैं पर मैंने बहुत दिन से बनाई नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बना के दे रहा हूँ। वैसे मैं एक ऑप्शन बायर हूँ और ऑप्शन सेलर मैं कभी कभी बन जाता हूँ जब मार्केट साइडवेज होता है। तो आज मार्केट थोड़ा साइडवेज मेरे को लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर एक शॉर्ट स्ट्रैटल बना रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले मेरे को देखना है कि बैंक निफ्टी कहाँ चल रहा है। बैंक निफ्टी है 43,300 के आसपास, तो मैं इसी के आसपास का एक ATM स्ट्राइक है इसका कॉलर पुट को यहाँ पे पहले ऐड करूँगा। 43,300 का कॉल एंड पुट, ये हम लेंगे नियर बाय एक्सपायरी का हमेशा। ठीक, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ रेट में काफ़ी अंतर है, 255 का ये है और 173 का ये है, तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें आसपास के रेट का देखना है। और वो हम कैसे देखेंगे, हम देखेंगे बैंक निफ्टी पे क्लिक करिए, यहाँ पर ऑप्शन चैन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑप्शन चैन पे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कौन सा रेट सेम चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखो और यहाँ पर देखो एक बार, ये है कॉल और ये है पुट। 43,000 का पुट, 43,400 कॉल, ये सेम रेट ही चल रहे हैं, तो हम इन दोनों को सेल करेंगे। तो मैं बैक करता हूँ फिलहाल, और यहाँ पर मैं 43,400 का एक कॉल ऐड कर लेता हूँ। परफेक्ट, तो यहाँ पर इन दोनों के रेट सेम ही हैं, तो मैं इनको सेल कर देता हूँ। पहले एक एक लॉट सेल करते हैं, ओनली वन लॉट, फिर मैं आपको दिखाता हूँ बढ़ा के भी, कोई बात नहीं। और एक सॉरी भाई नहीं, सेल करना, ये सेल हम चेक करते हैं कि प्रॉपर सेल हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी, एक कॉल जो कि 194 पे था सेल हो गया, और ये 179 पे एक पुट सेल हो गया। परफेक्ट, यहाँ पर कितना फंड्स यूज़ हुआ है, लगभग 1,52,000, पर ये 30,000 एक्स्ट्रा मांगता है एज आपसे मार्जिन के तौर पे, क्योंकि ये यही कहता है कि ये ऑप्शन सेलिंग में रिस्क बहुत होता है, तो ये आपके पास फंड होने चाहिए ताकि अगर लॉस होए तो हम आपसे ले सकें, ऐसा ब्रोकर कहता है। अब मैं यहाँ पर अपने ये 25 क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ 75 और यहाँ पर भी ऐड कर देता हूँ 75। ठीक, अब मेरा 6,11,000 का फंड यूज़ हो रहा है, पहले 1,50,000 का हो रहा था, अब मैंने उससे 4 गुना ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर ली, तो जी यहाँ पर मेरा लगभग उतना ही मल्टीप्लाई में फ़ंड यूज़ हो रहा है। ओके, आप ये मानिए कि आपको लगभग 1,80,000 रुपये के आसपास चाहिए होते हैं एक कॉल आउटपुट को सेल करने में। अब मैं आपको चार्ट पर खोल के दिखाता हूँ कि कैसे मार्केट के अंदर, मैंने ये सोचा कि मार्केट साइडवेज है, ये देखिए कल मार्केट ने ऊपर की तरफ अपनी भागदौड़ दिखाई, उसके बाद मार्केट हो गया साइडवेज और मार्केट उसी रेंज के अंदर फिर से आ गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट स्ट्रैटल बनाया है। बाकी देखते हैं कि मार्केट हमें गलत साबित करता है क्या करता है। यहाँ पर अगर मार्केट रेंज को तोड़ेगा तो मैं वहाँ से एग्जिट कर लूँगा, और वरना इसको 2 बजे तक होल्ड करूँगा। लेट्स सी, मैं आपको मिलता हूँ अभी कुछ देर बाद। हेलो भाई, 10:40 का टाइम हो चुका है, अब मैं देखता हूँ कि मार्केट कहाँ पे घूम रहा है। जैसे कि हमने बात की थी कि मार्केट कल साइडवेज इस रेंज के अंदर था और मार्केट फिर से उस रेंज के अंदर आ चुका है, तो मार्केट स्टिल साइडवेज रहेगा ऐसी मेरे को उम्मीद है। अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ के बाहर कहीं भी निकलता है तो मैं एग्जिट कर लूँगा, पर अभी तक इस रेंज के बाहर नहीं गया है तो मैंने कोई एग्जिट नहीं किया है। हम देखते हैं कि हमको कितना टाइम डिकी का बेनिफिट मिला। मैं जाता हूँ पोर्टफोलियो में, तो अभी आप देख पा रहे हैं लगभग 1900 रुपये के आसपास का मेरे को प्रॉफिट चल रहा है। ठीक, ये काम हो रहा है 4 लॉट से, अगर मैं 1 लॉट से ये काम करता तो मेरे को 400-500 रुपये मिल रहे होते। अब बात आती है कि हमें कितना इसको होल्ड करना है, कितना टारगेट लेना है, तो यहाँ पर मेरा टारगेट जो है 4,000 रुपीज़ का है, मतलब कि 1 लॉट से मेरे को 1,000 रुपये तो चाहिए चाहिए। यही काम आपको ही करना है, जब लॉस की बारी आए तो तब भी आपको 1,000 रुपये के आसपास बुक करना है, और जब प्रॉफिट की बारी आए तो आप 1,000 या 1,200 तक जा सकते हैं। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसे कि अब कि मैं इसको बुक कर लेता हूँ और जब लॉस की बारी आएगी तो हम उसको 1,000 रुपये बुक करेंगे, तो वो गलत बात है। जितना लॉस ले रहे हो कम से कम उतना तो प्रॉफिट आपको लेना चाहिए। ठीक, मार्केट के अंदर ये जो शॉर्ट स्ट्रैटल होता है इसकी खासियत यही होती है कि आपको कुछ करना नहीं होता, केवल कॉल और पुट को सेल करना होता है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि जब ये एक रेंज को तोड़ता है, मतलब कि मार्केट एक साइड भागता है, तो आपका ये सारा प्रॉफिट भागता हुआ नज़र आएगा। तो इसलिए अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर ये प्रॉफिट जो मेरे को दिख पा रहा है, अगर ये 0 के आसपास जाएगा या 100 के आसपास जाएगा,
तो मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, ठीक है। ये समझदारी नहीं होगी कि मैं इसको अभी बुक कर लूँ, कम से कम मैं 4,000 रुपये जाने तक इसको बुक करूँगा। तब देखते हैं आगे कि मार्केट क्या है क्या नहीं चल रहा। अगर मार्केट लगता है मेरे को कि मार्केट साइडवे रहेगा तो मैं इसको 5 तक का वेट करूँगा, मतलब कि 5,000 रुपये तक का वेट करूँगा, वरना मैं इसको 4,000 रुपये भी निकाल लूँगा। सिंपल बात है, आपकी स्ट्रेटजी रोज़ काम नहीं करती, आपकी स्ट्रेटजी 10 में से 7 बार काम करती है। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप 7 बार 1,000 रुपये बुक कर रहे हैं और 3 बार 1,000 रुपये लॉस कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट मतलब कि 7,000 रुपये आपने कमाए और 3,000 रुपये आपने गवाए, तो आपको 4,000 रुपये का बेनिफिट हो रहा है एक लॉट से, अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो। और आपको ऐसे करना चाहिए। पर अगर आप 500 रुपये बुक कर रहे हैं प्रॉफिट के तौर पे और लॉस के तौर पे 1,000 रुपये बुक कर रहे हैं, तो वो आपका रिस्क टू रिवर्ड रेशियो ख़राब हो जाएगा। लोग यही नहीं करते हैं और वो लॉस करवा बैठते हैं और कहते हैं शेयर मार्केट जुआ। तो इसलिए तरीके से काम करें, मैं आपको पूरी वीडियो लाइव दिखा रहा हूँ ताकि आपको कुछ समझ में आ पाए। अभी फ़िलहाल मैंने कोई स्टॉप लॉस लगा नहीं रखा है, बस मैं मार्केट को देख ही रहा हूँ। अगर मार्केट के अंदर मेरा ये जो प्रॉफिट चल रहा है 100-200 के आसपास पहुंच गया तो मैं इसको हैंड टू हैंड स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, और ये जब तक चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है। बाकी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में कि क्या हुआ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने आपके लिए अब ट्रेडिंग व्यू के अंदर एक चार्ट खुला हुआ है, तो यहाँ पर मार्केट अभी उसी रेंज के अंदर है पर थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हमने 9:40 पे अपना ट्रेड लिया था और अब टाइम क्या हो रहा है 11:40 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 9:40 पे मतलब कि 9:35 के एंड पे जब मार्केट यहाँ पे था 43,317 के आसपास, तब हमने एक कॉल और पुट को सेल किया था। अब मार्केट लगभग 150 अंक ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन बाइंग करते तो हमें शायद थीटा का बेनिफिट इतना नहीं मिल पाता। मार्केट 150 अंक ऊपर बेशक आया है पर हमें उतना ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट नहीं मिल पाता क्योंकि ये साइडवेज मार्केट है। वैसे मैं ऑप्शन बायर ही हूँ पर साइडवेज मार्केट में मैं हमेशा इग्नोर ही करना चाहता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना मेरे को प्रॉफिट बनना है अपने शॉर्ट स्ट्रेटजी के अंदर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2100 समथिंग मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। अभी ये 3,000 रुपये के आसपास तक पहुँच गया था पर मार्केट थोड़ा सा ये ऊपर आना शुरू हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर मेरे को 800 रुपये वो कम हो गए। साफ सीधी बात है, अभी वही कहूँगा कि अगर ये 100-200 रुपये पहुँच गया या 500 के आसपास आ गया तो मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। अगर ये 4,000 रुपये या 4,500 रुपये के आसपास जाएगा तब मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। आपके सामने ये चार्ट चल ही रहा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लाइव मार्केट में कैसे हम इसको मैनेज करते हैं, इसलिए मैं आपको हर एक एक घंटे में अपडेट कर रहा हूँ। 9:40 पर ट्रेड किया, फिर मैंने आपको 10:40 पर अपडेट किया, अब ये लगभग 11:40 का टाइम हो रहा है। लेट्स सी, फिर से कहूँगा कि शॉर्ट स्ट्रेटजी को बनाते वक्त आपको 1,80,000 रुपये चाहिए होते हैं, और इसका एडवांटेज ये है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ता, केवल कॉल और पुट को सेल करना पड़ता है, आपको टाइम डिके का बेनिफिट मिलता है। डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर अगर वन साइड मूवमेंट आती है तो वहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है एकदम से। मैंने कई बार ऐसा देखा हुआ है अपने P&L के अंदर ही कि सब ठीक चल रहा है, केवल 2-3 मिनट की मूवमेंट आपका प्रॉफिट खा जाती है। अब जैसे यही है कि मार्केट अगर यहाँ से 100 अंक और ऊपर आ गई तो मेरा ये प्रॉफिट सारा चला जाएगा, पक्की बात है। अगर मार्केट 100, 300 या 400 की रेंज के अंदर रहता है, जैसे कि यहाँ देखिए ये अपने बॉटम पे से 313 से कहाँ तक आ गया, 474 तक आ गया, तो ये 150 अंक की मूवमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, और 150 अंक की मूवमेंट अगर और हो गई तो ख़तरनाक साबित होगी हमारे लिए। और अगर ये 100 अंक नीचे आता है तो मार्केट फिर उसी रेंज के अंदर माना जाएगा, तो ये अपने को प्रॉफिट और दे जाएगा, तो ये बात होती है। खैर अभी हम देखते हैं, मैं आपको फिर से कुछ देर बाद अपडेट करूँगा लॉस या प्रॉफिट बुक करने के बाद, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आपको वैल्यूएबल थिंग मिल पाए। हेलो गाइस, अब यहाँ पर 1 बजे का टाइम हो चुका है, 3700 रुपये मेरा प्रॉफिट पहुँच चुका है। हमारी आपस से बात हुई थी कि 4,000 के आसपास हम इसको बुक कर लेंगे, अभी 4,000 तो नहीं पहुँचा है पर मैं इसको बुक करने जा रहा हूँ, ऐसा क्यों आइए देखते हैं एक बार चार्ट के अंदर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अभी इसको रिफ्रेश होने दें एक बार। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है, बार बार इसी पे से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है। अब मार्केट ना देखो एक तो बच चुका है, 2 बजे के बाद ना एक स्पाइक आता है, अधिकतर देखा गया है कि जब मार्केट साइडवेज होता है तो 2 बजे के आसपास मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ता है। अभी आप कहोगे आपकी कल क्यों नहीं पकड़ा भाई, जब मार्केट ने शुरुआत में एक अच्छी खासी मोमेंट दिखाई फिर साइडवेज हो गया, तो कल मोमेंट आ चुकी थी। आज मार्केट पहले से ही साइडवेज है और कल भी साइडवेज था,
तो पूरी उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। वैसे मेरे को उम्मीद है कि मार्केट ऊपर जाएगा। हम यहाँ पे अपनी स्क्वायर ऑफ अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, ठीक। ज़्यादा लालच अच्छा नहीं है, क्या पता अपना सारा प्रॉफिट चला जाए, तो मैं इसको आपके सामने ही स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, ठीक। हमने 3800 रुपये का प्रॉफिट बुक किया शॉर्ट स्टैंडर्ड के अंदर। ऐसा करके आप भी कर सकते हैं। पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा तो आपको पता लग पाएगा कि मैंने क्या क्या बताया और क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। कोई भी क्वेरी हो यूट्यूब पर कमेंट करिए। मैंने चाहता कि आपको कोई दिक्कत पड़े जो और लोगों को पड़ती है ना। आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरी फैमिली हो। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद है।